नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारता जा रहा है, इसी क्रम में आज अंबाला शहर नगर निगम के 50 कर्मचारी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। इस पर उपनगर आयुक्त अमन ने बताया कि उन्होंने निगम के कर्मचारियों का कोविड टेस्ट करवाया था। 90 में से 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस पर उन्होंने एहतियात के तौर पर गुरुवार और शुक्रवार को नगर निगम कार्यालय को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। यदि किसी को बहुत जरूरी काम है तो सिर्फ वही लोग ही कार्यालय में आएंगे। साथ ही उन्होंने लोगों को बताया कि वे अब अपना काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो कि नगर निगम के कर्मचारी ऑफिस में बैठकर ही करेंगे। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। निगम के कर्मचारियों के हमने सबके टेस्ट कराए थे कोविड के रिगार्डिंग, तो उसमें से काफ़ी लोग पॉजिटिव आए हैं। लगभग 90 में से 50 लोग पॉजिटिव हैं, तो इसलिए हम एहतियात के तौर पे 2 दिन के लिए वीरवार और शुक्रवार जो है पब्लिक के लिए कार्यालय बंद कर रहे हैं। जिन भी अधिकारियों को कोई स्पेशल वर्क होगा वो सिर्फ कार्यालय में आएंगे, बाकी सबके लिए कार्यालय बंद रहेगा। हमारे सभी काम जो है आजकल ऑनलाइन है, और ऑनलाइन जनता से अपील है कि वो ऑनलाइन अप्लाई करें और हम जो हैं ऑफिस में बैठ के उनका काम करेंगे। और क्योंकि कोविड का दौर है, एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए 2 दिन के लिए ऑफिस जो है बंद कर रहे हैं ताकि सैनिटाइज वगैरह कराया जा सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।